हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही खराब है। कुछ अच्छी भी है और कुछ खराब भी है। तो हमने कुछ सूट ऑर्डर किए थे अंडर 500। तो इसमें से एक सूट जो है मैंने रखा है जो कि 500 के ऊपर है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कौन कौन से सूट हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे चीप है और सबसे गंदा वाला मुझे लगा आज तक का, मेरा मतलब कि कह सकते हैं कि बैड एक्सपीरियंस जो भी शॉपिंग को लेकर होता है ऑनलाइन, तो वो ये है। तो मतलब कि क्या सोच के ये प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, क्या सोच के उन्होंने ये तैयार किया है, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये काफी खूबसूरत है, कलर कितना प्यारा है और इसकी जो स्टिचिंग है वो भी कितनी अच्छी है, प्रॉपरली की गई है। और इस पे बटन भी लगाए हुए देख सकते हैं, काफी अच्छा मतलब कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है। लेकिन ये जो कपड़ा है बहुत ही ज्यादा हार्श है, चीप क्वालिटी का है और इसको विड्थ वाइज बनाया गया है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। कपड़ा उसके लिए स्ट्रेचेबल होता है या सॉफ्ट होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें देख सकते हैं आप स्टिचिंग कितनी अच्छी है, पीछे इलास्टिक है, पूरा उन्होंने प्रोफेशनली लुक देने की कोशिश की है। और पॉकेट्स दोनों साइड पे हैं, लेकिन बात सारी आती है कंफर्ट पे, तो कपड़ा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो ये जो है ये अंडर 500 है। ये तो होगी इसकी पैंट, उसके बाद है ये इसका अपर यानी के कुर्ता। तो कुर्ते में आप देख सकते हैं सेल्फ मेड डिजाइन है, चेक्स बने हुए हैं, बेबी पिंक कलर है, इस तरह से कुछ टक्स डाल के डिजाइनिंग की गई है, डिटेलिंग है। और इसपे बटन लगे हुए है और इसकी जो स्लीव्स है वो भी कुछ कफ टाइप की बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका भी कपड़ा बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इसका कलर देख के मैंने इसको लिया था, लेकिन अभी इसको हम करेंगे रिटर्न क्योंकि इतना चीप कपड़ा हम नहीं पहन सकते हैं और बिल्कुल भी इसमें जो है कंफर्ट नहीं है। और ये स्किन को भी खराब करेगा और मनी तो खराब होगी ही होगी। तो ये जो सूट है, दोनों ही कुर्ता और पैंट, ये रिटर्न में जाएगा, बहुत ही चीप क्वालिटी का है। तो इसको मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप लीजिए। उसके बाद है, अच्छा है मतलब कि कह सकते हैं कि 30% अच्छा है, लेकिन बाकी 70% तो मुझे पता है, कपड़े की मुझे इतनी पहचान है कि कपड़ा खराब होने वाला है। तो ये भी एक कॉटन का सूट ही है, स्ट्रेट पैंट है और पॉकेट्स दी गई हैं। स्टिचिंग अच्छी है, कलर भी अच्छा है, लेकिन मुझे येलो कलर पसंद नहीं है। छोटे छोटे मोटिव बने हुए हैं और येलो और व्हाइट कलर का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। लेकिन ये जो कपड़ा है ठीक है, बट थोड़ा सा ही हार्श है, उसके कंपैरेटिवली अच्छा है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है कि इसको रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये वॉश करके स्टार्च जो है इसमें से निकल जाएगी, तो है मुझे 40-50% की ये सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये सॉफ्ट हो गया जो इसमें स्टार्च है, तो हो सकता है कि वो स्टार्च निकल के इसमें जो स्टिफनेस है कपड़े में, जो लग रहा है इसमें ग्रेस दे रहा है, तो वो सारी ग्रेस खत्म हो सकती है और हो सकता है कपड़ा फट भी जाए। तो ये तो लोअर है और ये है इसका अपर। स्टिचिंग काफी अच्छी की हुई है, बैंड नेक बना हुआ है, काफी नीट काम किया गया है, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है। तो ये भी अंडर 500 है, लेकिन इसके जो क्वालिटी देख के या फिर इसका जो कलर मेरा हस्बैंड को पसंद आया था लेकिन मुझे नहीं पसंद आया, तो इसको भी मैं रिटर्न में डाल रही हूँ। तो ये भी कुछ मतलब कि खास अच्छा नहीं है, ऐसी शॉपिंग मतलब कि मैं करने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगी। उसके बाद है एक ये मैंने दो मंगवाए थे एक जैसे, ये अच्छे हैं। 581 का है शायद, नहीं अंडर 500 ही है, 481 का है। ये काफी अच्छा है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है कि हम इसको भी आउट साइड पहन के जा सके।
एक मतलब कि स्पन टाइप का कपड़ा होता है हमारे वहां पे कहते हैं, तो जो कि इतना खास कुछ होता नहीं है, उसकी थोड़ी सी लो क्वालिटी है ये। लेकिन इसका एक पीकॉक ब्लू कलर था वो मैंने रखा है और इसको वेयर भी किया था और आज मैंने उसको वॉश किया है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है अच्छी है, कहीं से भी कुछ भी नहीं खराब हुआ है। तो ये है कि घर पे पहनने के लिए अगर हम थोड़ा बहुत कहें कि थोड़ा लो बजट में लेना है तो हम इसको ले सकते हैं। तो ये अपर और लोअर दोनों थे अंडर 500, तो ये इसका अपर है कुर्ता, इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है, अच्छा है। और ये इसका प्लेन पेंट है, पेंट का जो साइज है वो भी सही है, फिटिंग वगैरह अच्छा है, मतलब कपड़ा खुला खुला है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइटली दिया गया है, कपड़े में किसी तरह की कंजूसी नहीं की गई है। तो उसके बाद आती है रेंज 300 की, तो 300 में हमें अपर और लोअर मिले थे। इसको भी मैं रिटर्न करने वाली हूँ क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत टाइट है, मुझे नहीं आ रहा है। ये इसका अपर है, लेकिन ये मुझे वैसे इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है और स्टाइल है काफी पसंद आया है, और इसका कपड़ा भी अच्छा है, लेकिन ये गर्मी में नहीं पहन सकते। तो जो मैंने पहले भी 170 का मंगवाया था, ये बिल्कुल वैसा कपड़ा है, लेकिन जो इसके पैंट का साइज है, फिटिंग है, या फिर जो भी प्रॉपरली दिया गया है, काफी अच्छी फिटिंग है, लेकिन जो अपर है कुर्ती का, ये बहुत टाइट है और साइज वही है, साइज है। तो शायद इसमें एक्सल मंगवाऊंगी, वो मुझे आएगा, तो ये भी रिटर्न में जाएगा। उसके बाद है ये ब्लैक और ब्लैक एंड व्हाइट अपर, ये भी सेम कपड़ा है, ये भी 300 में है, ये भी काफी अच्छे मुझे पैटर्न इसके लगे थे, जैसे कुछ क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। तो इसमें काफी अच्छे टेक्सचर से दिए गए हैं प्रिंट से, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब मैंने इसको ऑनलाइन इसकी पिक देखी थी, तो इसको देखते ही मैंने कहा था कि ये वाला अच्छा है। तो मुझे कपड़ा मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि काफी लो क्वालिटी का होगा, क्योंकि 300 में क्या आता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कपड़ा काफी अच्छा है, पहनने लायक है। ऐसा नहीं है कि पहन नहीं सकते इसको, हम पहन के बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन ये है कि गर्मी में नहीं पहना जाएगा और यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग अच्छा है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा प्रॉपरली फिट नहीं आया है, तो इसीलिए ये रिटर्न में जाएगा। और मुझे इतना ये नहीं है कि मुझे लेना है तो मैं एक्सचेंज करके लूँ। और ये इसकी ब्लैक पेंट है, और दोनों की जो लोअर है इनकी फिटिंग काफी अच्छी है। तो ये सारी शॉपिंग थी जो हमने की थी, लेकिन ये सारी शॉपिंग जो है अभी रिटर्न होने वाली है। तो कुछ चीजों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा और कुछ चीजों का एक्सपीरियंस खराब रहा। तो लिंक मैं इनके नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वो आप लोग करें और इसको खरीदें। तो ये चीजें जो है बिल्कुल भी खरीदने लायक नहीं है, नीचे वाली दोनों, और ये ऊपर वाली तीनों जो है वो ठीक ठाक है, 50% मैं इसको दे सकती हूँ। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।